आपका दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज जैसा कि आज हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज में, काम वगैरह ख़त्म हो गया तो ऐसे ही टहलने चले आए, अभी यहाँ पे आए हैं, फिर अभी चलेंगे चंद्रशेखर पार्क वगैरह घूमेंगे। ये नाजरेथ हॉस्पिटल है, नाजरेथ हॉस्पिटल के जस्ट सामने चंद्रशेखर पार्क है। तो आशीष भाई को बोले कि चलिए आइए काम से छुट्टी लेकर जल्दी से, तो हम दोनों भाई एकदम अपने बाइक से चल दिए। हम आए थे ऐसा ही, हम लोग आए थे चंद्रशेखर पार्क में ऐसे ही घूमने के लिए, शाम का टाइम था तो थोड़ा हम लोग सोचे घूम लेते हैं, लेकिन जैसे ही पार्क के सामने आए, गेट के सामने, तो देखा यहाँ पे इतना प्यारा ये हॉस्पिटल को सजाया गया था क्रिसमस के अवसर पे, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चले आए, अब इसके बाद वहाँ पे चलेंगे। एक बार फिर से हम आ चुके हैं चंद्रशेखर पार्क में, ये शाम की जो खूबसूरती है। ठंड तो पड़ रहा है दोस्तों, जैसा कि हमने ये देखिए एकदम जैकेट का टोपी वगैरह लगा लिया है। तो टहलते टहलते हम लोग ये कंपनी गार्डन आ चुके थे और आ गए थे क्योंकि अभी को काम से फ्री हुए तो सोचा कि चलते हैं कहीं टहलते हैं, तो अभी हम लोग आ गए हैं। और आप बताएं कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे और जहां भी होंगे एकदम ठंडी में उड़ा का आनंद ले रहे होंगे। माघ मेले मेला का ब्लॉग हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो वहां पे गए थे, अभी तैयारी चल रही है, तो हम कहे चलिए फिर से चंद्रशेखर पार्क में शाम को घूम लिया जाए, क्योंकि शाम को बहुत लोग आते हैं घूमते टहलते हैं। इस पार्क में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, 5 रुपये का टिकट लगता है, तो वो लेना होगा, उसके बाद आइए। और बहुत ही अच्छा पार्क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे पीछे आज़ाद जी की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है, हम लोग उसके जस्ट सामने ही है, तो चलिए चल के घूमते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि हम लोग की परछाई देख सकते हैं कि हम लोग चल दिए हैं शाम के टाइम पे, टहलने टहलने आते हैं, अपना आप बोल सकते हैं कि अपने आप को फिट रखने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पार्क है। दोस्तों आज हम जाने वाले थे घर, तो बस आई नहीं, फिर भैया से बोलिए चले आपके रूम पे चले, तो दीदी के घर थे, फिर भैया के रूम पे गए, फिर वहाँ से फिर फ़ोन किया आशीष भाई को, तो ये उठाया नहीं, पता चला ये बिजी हैं, तो फिर बोले कि अरे यार काम था हमारा। हम कहे चलिए कोई बात नहीं, फिर आए हम लोगों ने रूम पर चाय वाय बनाया, चाय वाय पीकर फिर चले आए चंद्रशेखर पार्क में। सर्दी में अगर देखा जाए तो दोस्तों चाय ही एक सहारा है, आप चाय पीते रहिए ना तो वो एनर्जी जो है बूस्ट कर देता है आपकी एनर्जी को, फिर काम करने में मज़ा भी आता है। बिल्कुल, तो पहले चाय पिए, फिर हम कहें चाय पीते हैं, एनर्जी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो लाइट देख सकते हैं ख़राब होने वाला है, कुछ ही दिन में ख़राब हो जाएगा, अगर वारंटी में होगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा और गारंटी में होगा तो चेंज हो जाएगा। बड़ी स्पीड में सब वर्कआउट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, हम लोग तो पैदल ही चल रहे हैं, अच्छा भी है अपने बॉडी को फिट करने के लिए, भैया ये सब तो करना ही पड़ता है जैसे। तो दोस्तों इसी पार्क में कहीं पे फूल की प्रदर्शनी लगी हुई है, तो अभी हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं कि वो प्रदर्शनी लगी कहाँ पे है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क है, तो अभी ढूंढते हैं हम लोग, आपको भी दिखाते हैं, अगर भगवान का दया रहा तो जल्दी मिल जाएगा, जल्दी नहीं मिलेगा नहीं, तो जल्दी नहीं। अभी मैंने मजाक कर रहे हैं आशीष भाई, हमने फ़ोन किया था अभी मामा को, मामा ने बताया है कि चंद्रशेखर पार्क में फूल की प्रदर्शनी लगी हुई है, बहुत सारे तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, तो हमने कहा चलिए देख कर आते हैं, ढूंढ रहे हैं दोस्तों और आपको भी दिखाते हैं। हाँ अभी तो ढूंढ रहे हैं कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा पार्क है, ऐसे ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाएगा, सही रहेगा ना। पैदल चले जा रहे हैं और ठंडी जा नहीं रही है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, साला प्रदर्शनी भी नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे लगा हुआ है, तो अभी चल रहे हैं देख रहे हैं कहाँ पे प्रदर्शनी लगा हुआ है, ऐसे ही पूछ रहे हैं सभी। ये है अमरुदवा का बगीचवा भैया, और ये देखिए दोस्तों ये लोग भी वर्कआउट करने के लिए चले आए हैं, विदाउट टिकट लिए हुए ये लोग आए हुए हैं, इन लोग का टिकट नहीं है, अगर पकड़े जाएंगे तो बहुत लंबा फाइन लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्पिटल है, जो कितना प्यारा एकदम सजाया गया, हमको लग रहा है ना ये क्रिसमस के दिन ये सजाया गया होगा, और इतना प्यारा सजाया गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ तो कितने लंबे में है ये, आप देखेंगे ये छोर है इसका, एक छोर से ये देखिए यहाँ से कितने लंबे में है ये, तो यहाँ पर देख सकते हैं झालर से कितना प्यारा सजाया गया है इसको, यहाँ पर देखिए, और ये क्रिसमस के अवसर पे सजाया गया था, जो कि अभी तक यहाँ पे है सजा हुआ है, और कितना अच्छा लग रहा है। आप यहाँ से देखिए, हम पास में चले आए, हमको अच्छा लग रहा था देखने में, तो हम लोग यहाँ पे पास में चले आए, और यहाँ पे आप देखिए ये जैसा कि स्टार वगैरह बनाया है, और ये देखिए यहाँ पे ये जो लाइट होता है इसको कौन सा लाइट बोलते हैं, नहीं रनिंग लाइट नहीं, कोई और लाइट होता है, और ये झालर से है, कितना मस्त लग रहा है एकदम, ये देखिए Thank you.
दोस्तों ये जैसा कि नाजरत हॉस्पिटल है, नर्सिंग का शायद स्कूल है, तो इतना प्यारा यहाँ पे सजाया गया। आने के बाद ना बहुत ही अलग जैसे कि मज़ा आ रहा है। अभी यहाँ पे आए थे तो गेट वगैरह जैसा कि बंदी है, लेकिन आने के बाद मस्त एकदम मज़ा आ रहा है देखने पे। एकदम झालर वगैरह से जो झालर है इससे इतना मस्त सजा दिया गया है। और दोस्तों ये हर वर्ष क्रिसमस के दिन ऐसे ही सजाया जाता है, अरे कई दिनों तक ऐसे ही सजा रहता है पूरा नाजरेथ हॉस्पिटल। तो आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में।